दुर्ग जिले में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने काली मोतियों की माला बनाने के नाम पर 9000 से अधिक महिलाओं से 2.25 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है, जिसकी शिकायत अब महिलाओं ने थाने में की है। पुलिस मामला दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में काली मोतियों के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग के तहत करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल 2 महीने पहले ही ऑफिस खुला था, कंपनी का मालिक मोबाइल बंद करके फरार हो गया है। आपको बता दें कि दुर्ग में 15,000 से भी ज्यादा गृहिणियों के साथ 2.5 करोड़ से भी अधिक की ठगी हुई है। होम ग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी ने काली मोतियों की माला के नाम पर पहले 2,500 रुपए जमा करवाए, फिर बदले में 3,500 रुपए देने का वादा किया। आज सुबह जब मोती की माला लेकर महिलाएं ऑफिस पहुंची तो ताला लगा मिला। गुस्साए लोगों ने कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ किया और सारा सामान उठा कर ले गए। अब ठगे गए सैकड़ों महिलाओं ने दुर्ग कोतवाली थाना का घेराव कर इंसाफ दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच करने की बात कही है। एक गरीब लाचार महिला, जो बेरोजगार महिला लोग हैं, झाड़ू पोछा करने वाली, उनको लुटाया गया है। किसी तरह भी अपने घर से 2 पैसा बचा के जमा कर रही थी, उनको इस तरह का गुमराह करके झूठा आश्वासन देके उनको लुटा गया। करोड़ों की स्थिति से भी कम होगी, करोड़ों में की गिनती है ना। एक आदमी से जब 2,500 रुपए लिए हैं तो लाखों करोड़ों आदमी से कितना लोग आप ही बता सकते हैं। कितने लोग जुड़े होंगे टोटल? 50,000 लाख से जमा होंगे, 1.5-2 लाख। 15 दिन से प्रोसीजर चल रहा है और हर घर से 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी आश्वासन में जा रहे हैं, जाके ले लेके आते जा रहे हैं। एक होम ग्रोन कॉरपोरेशन करके एक जो संस्था है, जिसके नाम पे इन्होंने 2,500 रुपये दिया था माला बनाने के नाम पे, और माला बनाने के बाद से जो है अभी उसका जो ऑनर है वो उसका नंबर बंद बता रहे हैं। अभी इस संबंध में उनके द्वारा भी आवेदन दिया जा रहा है, इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद फिर उसका पैदानी कार्रवाई की जाएगी। जो आप नज़ारा देख रहे हैं, आप मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, पहले आप नज़ारा देखें फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी लगातार देता हूँ। यहाँ इतनी सारी महिलाएं जो एकत्रित होकर जो कोई भी सामान को जो हाथ में आ रहा है उसे उठा रही है। इसका कारण यह है कि आज से करीबन 1 महीने पहले एक फर्जी कंपनियों ने पर पर्सन 2,500 रुपये लेकर इनका जॉब दिलाने और रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो आज कंपनी वो भग चुकी है। भगने के बाद लोगों में आक्रोश इतना देखने को मिल रहा है, कोशिश तो इनका आक्रोश भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जो भी सामान इनके हाथ में लग रहा है, कोशिश और है कि इनको जितना जो भी इनके हाथ में आए उनका पैसा वसूला जाए। आइए जानते हैं कुछ इन्हीं महिलाओं से। जी, ये आप क्यों ले जा रहे हैं? इसे क्यों ले जा रहे हैं? पैसा दिए, जमा किया मोती बनाने का, पैसा लेके भाग गया। क्या चीज के लिए पैसा दिए थे? माला बनाने के लिए। माला बनाने कब दिए थे और कितना पैसा दिए थे? 2,500 रुपया। 2,500 रुपया दिए थे? आने जाने का 100 रुपया भाड़ा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं कृष्णा नगर शाम चौक में रहते हैं। तो इसके बारे में कौन बताया आपको? मेरा जेठ के लड़का बताया। आप जो 2,500 रुपए दिए थे, आप वो किनको दिए थे? ये हैं आके दिए थे। यही दिए थे? कितने लोग आपके घर से जो थे जो दिए पैसा? कंप्यूटर है तो रहता थी मैं कोची बोलता है। आइए जानते हैं और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं। जी, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कहते हैं, वो हम लोग पैसा दिए थे उसके लिए, क्या कहते हैं, बोले थे कि मतलब महीने में 15 दिन में 20 दिन में मिलेगा ऐसे करके, तो सब घर बैठे रहते थे तो काम करेंगे ऐसे करके। कितना पैसा दिया था और किसको दिए थे? ऊपर में बैठे थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, वो उसको दिए थे 2,500 रुपए दिए थे और बोलते थे कि महीने मतलब 20 दिन में ऐसे कुछ बनेगा, 3,500 ऐसे कुछ देंगे ऐसे करके, हर 20 दिन में ऐसे जमा करना है ऐसे करके बोले थे। तो आपके घर से कौन, किसके नाम से आपने पैसा जमा करवाया था? मैं एक है पड़ोसी, उनके नाम से की थी और वो दूसरे के है वो से की थी। ये जब आप आए तो यहाँ क्या नजर आया? यहाँ कोई और थे उसके स्टाफ के, कोई वासी नजर आया आपको? हाँ, 5-6 लड़की लोग थे, मतलब मैम लोग थे। और फिर आपका नाम? मैं नाम पायल साहू। देखते हैं, यहाँ लगातार महिलाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ जो हाथ में आए अपने पैसे की पूर्ति करने के लिए वो अपना सामान को एकत्रित कर रही है, जो भी यहाँ से हासिल हो जाए। आइए जानते हैं एक और मोहतरमा। मोहतरमा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी वही हम लोग मोती का पैसा दिए थे। कहाँ रहना होता, कहाँ है आपको? तकियापारा। तकियापारा में रहते। किन के नाम से पैसा दिए थे और कितना पैसा दिए थे? 2,500 रुपए
रुपए दिए थे मेरी मम्मी के नाम से। 2500 रुपए दिए थे। आप देख रहे हैं यहाँ लोग लगे हुए हैं कि जितना हो सके उस पैसे की वसूल हो जाए। आप, मैं ये जो जिक्र कर रहा हूँ, ये दुर्ग शहर के मेन केंद्र मार्केट से जुड़ा हुआ एक स्थान है जहाँ पे किराए से रेंट में लेकर ऑफिशियली एक ऑफिस बनाया गया और लोगों को ठगा गया। प्रशांत सिंह राजपूत।